खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गली गली में दहशत, थाने थाने में हड़कंप, खौफ का अंडरवर्ल्ड। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रात के अंधेरे में एक गांव पर टूटा लुटेरों का कहर। हथियारों से लैस बेखौफ बदमाशों ने एक के बाद एक कई घरों को निशाना बनाया, वो भी तब जब कुछ ही दूरी पर पुलिस वाले गश्त कर रहे थे। सांप गुजर जाने के बाद अब लकीर पीट रही है यूपी पुलिस। वो लाखों का सोना लूट कर ले गए, वो तिजोरियों से चांदी उड़ा कर ले गए, वो लाखों का कैश और दूसरे बेशकीमती सामान लेकर फरार हो गए। घर वाले नींद की आगोश में थे और देखते ही देखते पूरा घर खाली कर गए बेखौफ बदमाश। जी डकैती का तो हमें पता नहीं जी, हमें तो बड़ा नुकसान का पता है जी इसका। मेरी घरवाली का 15-16 तोले तो सोना ले गए जी। कम से कम सोना है जी 45 तोले और चांदी ही लगभग 500 ग्राम चांदी है। ये हुआ जी सवेरे ही यहाँ से हमने किवाड़ सुन ले जी सब लेने के लिए, तो हमने तो यू बस यो देखा जी अलमारी अलमारी में सब सब वो जो पड़ोस में दिखे जी खुले। कैमरे के सामने आप बीती सुना रहे ये तमाम लोग उस गांव के बाशिंदे हैं जहां रात के अंधेरे में बदमाशों ने एक साथ कई घरों में सेंध लगा दी। घरों की अलमारियां, जहां तहां बिखरा हुआ सामान और ये अफरा तफरी का माहौल सब मिलकर गवाही दे रहे हैं कि बेखौफ बदमाश यहां किस कदर तांडव मचाकर चले गए। इन घरों में रहने वाले लोगों को कंगाल करके फरार हो गया डकैतों का गैंग। एक रात में चार चार घरों में डकैती की यह वारदात हुई मुजफ्फरनगर के भैसानी गांव में। दिल्ली देहरादून हाईवे के नजदीक बसे भैसानी गांव में रात के उस वक्त डकैतों ने धावा बोल दिया जब गांव के लोग ठंड में गहरी नींद में सो रहे थे। लोग सुबह जब नींद से जागे तो घर की हालत देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। घर वाली का 15-16 तोले तो सोना ले गए जी। 20,000 रुपए में कल ले आया था जी, मुझे आज मेरठ जाना था घर वाली के पास। सुबह उठ कर देखा तो सब सामान बिखरा पड़ा था और लॉक टूटे हुए थे सेफ के। तो यही 1 बजे के बाद की वारदात है और चार घर में हुई लगातार उसी टाइम में हुई चारों बजे। 40 तोले सोना तो एक घर में सो जा, 15-1 में सो जा और 15-1 के आसपास में सो जा। हम तो सब सोए थे जी और रात में ही चोर घुसे जी कहीं ऊपर से और सेफ फाड़ के सब ज्वेलरी वगैरह लेके निकाल गए से। घटना की सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर के एसएसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। हैरान कर देने वाली बात यह है कि हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर गांव में बदमाश ग्रामीणों के घर में डाका डालते रहे और हाईवे पर गश्त कर रही पीसीआर वैन में बैठे पुलिस कर्मी आंख बंद करके नींद का मजा लूटते रहे। दरअसल हाईवे के किनारे बसे इस गांव के आसपास आमतौर पर पुलिस का काफी पहरा रहता है। रात भर हाईवे पर पुलिस वाले गश्त लगाते रहते हैं लेकिन लापरवाह पुलिस वालों का पेट्रोलिंग दस्ता पता नहीं कहां और किस इलाके में गश्त करता था और इस गांव में आए बदमाश रात के अंधेरे में
कीमती माल की सफाई करके चलते बने। मुजफ्फरनगर से अभिषेक चौधरी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।